हेलो गाइज, मैं खुशी हूँ। वेलकम टू हेडजी न्यूज़। गाइज, आज मैं आपको सबसे बड़े बैंक के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि SBI के बारे में। SBI बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। और जो FD आप करवाते हो, जो FD में आप पैसे वगैरह रखते हो, तब उसमें आपको कम ब्याज मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या सब चीज़ें कम की हैं। हम सब चीज़ों के बारे में आज की न्यूज़ में आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। अगर आज की जानकारी जान के आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए। जो FBI ने किया है, जो बैंक ने किया है, क्या आपके अकॉर्डिंगली क्या सही है या क्या गलत है? तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। SBI ने ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। और जो FD अकाउंट्स रहते हैं और जो बल्क अकाउंट रहते हैं, जिसपे आप बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके रखते हो, उसमें कम से कम 0.30 से लेके 0.70 तक कटौती होगी। और वहीं पर रिटेल जो अकाउंट है, वहां पर 0.10 से 0.50 तक कटौती हो सकती है। उसी के साथ जो बचत खाते रहते हैं, उसके ऊपर SBI ने बोला है कि वो इनके ऊपर ज़्यादा ही फीसदी देती रहेगी। जैसे कि अगर 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट में है तो आपको 3% तक मिलता ही रहेगा, और अगर 1,00,000 से कम है तो आपको 3.5% मिलता रहेगा। ये घोषणा 26 अगस्त से लागू होगी। तो गाइज, आप लोग भी अगर डिपॉजिट वगैरह रखते हो, तब आप लोगों को वहाँ पे जो ब्याज मिलता है, जो FD पे ब्याज मिलता है, तो आपको कितना मिलता है? और क्योंकि माना जाता है कि SBI हमारे यहाँ का बहुत ही बड़ा बैंक है और वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगी रहती है, वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा गया? अगर आपका भी अकाउंट है तो हमें प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को दबाइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।